हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो दोस्तों, आज के मिनी व्लॉग में हमारे घर पे हो रही है हल्दी रसम, हमारे मतलब जेठ जी के बेटे की हल्दी रसम हो रही है। तो हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं उनके घर पे। हाँ, मेरे पापा के वो बड़े भाई की बेटी की शादी। हाँ, तो हम लोग जा रहे हैं दोस्तों, और वहाँ पे खूब सारा एंजॉय करेंगे। तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि हल्दी रसम में क्या होने वाली है। और मैं इस कुछ इस तरीके से तैयार हुई हूँ, पीली साड़ी डाली है। ये साड़ी मेरे फेरों की साड़ी है। हम लोगों के यूपी में पीली साड़ी में शादी होती है ना, जिसको पियरी बोला जाता है। तो ये मेरी पियरी है, मेरी शादी की साड़ी है। और इसको मैंने सिर्फ ये तीसरी बार पहना है, मतलब एक बार शादी में, फिर शादी के दूसरे तीसरे दिन पहना था जब मैं नई नई आई थी। और उसके बाद मैंने इसको अलमारी में रख दिया था, तो भूल ही गई थी कि मेरे पास पियरी भी है और इसको भी पहना जाता है। तो आज मुझे मिल गई पीली साड़ी ढूंढते ढूंढते। तो मैंने कहा चलो आज पीली साड़ी में मेरी पियरी पहनती हूँ। और कैसी लग रही हूँ अपनी पियरी में, अपनी शादी की साड़ी में, आप लोग जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तब तक ले बाय बाय। तो दोस्तों, मिल लीजिए, यहाँ पे हैं दूल्हे राजा। ये हैं हमारे जेठानी जी के बेटे, इन्हीं की शादी हो रही है। तो हल्दी की रस्म में आ गए हैं सब लोग और वेट कर रहे हैं कि कब रस्म शुरू होगी। तो दूल्हा भी तैयार है, बढ़िया कुर्ता उर्ता येलो येलो डाल के, और दूल्हे का भाई भी साथ में येलो कुर्ते में एकदम तैयार है। आपको दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए दोनों भाई, और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं दोनों, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और घर में हमारी ये पहली शादी है किसी लड़के की, और मतलब हमारी जनरेशन के बाद, हमारे भी तक तो हमारे देवर लोगों की शादी हो रही थी, हमारी जनरेशन चल रही थी, अब हम लोग की नेक्स्ट जनरेशन आई है, हम लोग के बच्चों की शादी होनी शुरू हो गई है। तो बेटियों की तो ऑलरेडी दो तीन लोगों की हो चुकी है, बट बेटों में पहली शादी है ये घर में, लड़के में। तो बहुत ही एक्साइटेड हैं सब लोग, और घर की पहली बहू आने वाली है, घर में पहली शादी है बेटे की। तो यहाँ पे बहुत ही मस्ती और मज़ा चल रहा है। तो हल्दी की रस्म शुरू हो गई है, सबने हल्दी लगानी शुरू कर दी। तो फिर मेरा भी नंबर आ गया, मैंने भी जाके बेटे को हल्दी लगा ही दी है, और बहुत ही अच्छा दिख रहा है, कितना क्यूट दिख रहा है। और ये देखिए मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ है, ये भी हल्दी लगा रही हैं। तो इस तरीके से बारी बारी से सबने हल्दी लगाई, हल्दी की रस्म हुई, और खूब डांस नाच गाना मस्ती खूब हुआ। और सारे जितने भी मतलब हम लोग की नेक्स्ट पीढ़ी, हम लोग की नेक्स्ट जनरेशन है, जितने भी घर में बच्चे हैं, हम लोग पूरे 12 मिलके देवरानी जेठानी हैं। और मेरी जो मैं 10वें नंबर पे हूँ, और मेरे से बड़ी जो है सारी जेठानियाँ, तो उन लोग के बच्चे ऑलरेडी पहले से हो रखे, तो सब बड़े हो गए शादी के लायक। तो सब मस्त शादी में या ब्याह में इंजॉय करें, डांस करें। और मेरे बाद भी मेरी दो देवरानियाँ हैं, तो हम लोग 12 हैं पूरी टोटल। तो सोचिए कितनी बड़ी फैमिली होगी, और सारी फैमिली इकट्ठी हुई है शादी में। और सारी जो सिस्टर्स इन लॉ हम लोग की सारी हैं, वो सब आई हुई हैं, बुआ जी लोग सब आई हुई हैं, पूरा फैमिली इस समय भरा हुआ, पूरा हॉल इतना बड़ा हॉल है, पूरा भरा हुआ है। और सब लोग इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती मजाक चल रहा है, हंसी हो रही है, और खूब डांस हो रहा है, और आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। मैंने इनके शॉर्ट्स अलग से डाल दिए हैं म्यूज़िक के साथ में, जो रियल म्यूज़िक के साथ डालूंगी तो कॉपीराइट आएगा, इसलिए मैंने शॉर्ट्स में म्यूज़िक लगा के डाल दिया है। और यहाँ पे छोटे छोटे भाइयों के बड़े भैया वाला सॉन्ग, और मैं निकला गड्डी लेके, ऐसे इस तरह से सॉन्ग लगा लगा के बच्चे खूब नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बड़ी मस्ती हो रही है। तो इस तरह से देखिए दूल्हे का भाई भी नाच रहा है खूब, और सब लोग देखिए हर कोई मस्त मगन है एकदम। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को मेरे फैमिली का फंक्शन, ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अच्छे अच्छे इस तरह से ब्लॉग लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। और आजकल मैंने सोचा था शॉर्ट्स बनाए थे मैंने सारे ब्लॉग कि मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, बट फिर मैंने कहा चलो एक साथ ही करके ब्लॉग में डाल देती हूँ, ताकि आप लोगों को ईजिली देखने में अच्छा भी लगे। इसलिए सारे ब्लॉग जो मैंने है ना, इस तरह से क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कैमरे पे बना दिया है, ताकि मैं सोच रही थी शॉर्ट्स बनाऊंगी, फिर मैं सोचा लो ब्लॉग ही बना देते हैं सारा। तो यहाँ पे देखिए खूब मस्ती चल रही है, और यहाँ पे एक और जेठानी का बेटा है जो ब्लैक टी शर्ट में आप देख सकते हैं, इसको भी पूरा दूल्हे ने अपनी हल्दी लगा के रंग दी है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि कहते ना कि दूल्हा जिसको अपनी हल्दी लगा देता है तो फिर उसकी अगली बारी उसी की होती है। तो मैं उसको वही बता रही थी, और सब लोग डांस करें, मस्त नाच रही है। देखिए यहाँ पे गाना शुरू हुआ था, मैं निकला गड्डी लेके वाला, तो सब लोग हुटिंग करने लग गए, और बहुत मस्ती हो रही थी। और ये मुझसे जो कुछ पूछ रहा है, मेरा भांजा है, मतलब मेरी ननंद का बेटा है, तो
इस तरह से सारी मस्ती वगैरह हो रही है। मैंने हाथ में मेहंदी की कीप ले रखी, मैंने सोचा मेरी मेहंदी नहीं लगी है तो कोई ना कोई तो मिल जाएगा इतना बड़ा घर में जो मुझे मेहंदी लगा देगा। पर सब एंजॉय करने में बिजी थे, किसी को टाइम नहीं था, सब मैंने कहा चलो सब एंजॉय कर लेंगे उसके बाद किसी से लगवा लूँगी। फिर लास्ट में मुझे मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ से मैंने मेहंदी लगवाई थी, सो वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब डांस मस्ती चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है व्लॉग ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग मेरे अच्छे अच्छे व्लॉग इसी तरह एंजॉय कर पाएँ। तो दोस्तों चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक एंजॉय करिए इस वीडियो को, बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ चुके हैं हल्दी रसम सेलिब्रेट करके, और देखिए पसीना पसीना हो गए हैं। वहाँ पे खूब डांस वांस होके सब बच्चों ने डांस किया घर के, और सबने हल्दी वल्दी लगाई, आप लोगों ने देखा एंजॉय किया। और ये देखो ध्रुवी ने भी अपने भैया को हल्दी लगाई है, और थोड़ी सी हल्दी यहाँ मेरे हाथ भी लग गई है। तो कुछ इस तरीके से हमने हल्दी सेलिब्रेट कर ली। आप लोगों को कैसी लगी है हल्दी जरूर बताइएगा कॉमेंट बॉक्स में। मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। और ये मेरा लुक कैसा लगा वो भी बताना, बाय बाय।